फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है जी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन जो बनी है हमारे पास वो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। जैसे कि हमारे पास अगर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक कोई भी बॉल है कि उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी जो है सबसे पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v आई और फाइनल वेलोसिटी होगी vf। तो हमारे पास ऐसे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डेल्टा p इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mvf यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस mvi इनिशियल वेलोसिटी। जब इसको हम थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं जी, वेलोसिटी को हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास डेल्टा p इज इक्वल टू एम वी एफ, अगर इसको हम ले लेते हमारे पास माइनस वी आई वाई, ठीक है। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई और टी। जैसे कि हमको पता है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ मास होगा जी इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और टी। यहाँ पे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिंपली जी, हमारे पास अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा जी डेल पी और टी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि ये वाला फैक्टर जो होगा वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास हमें पता है कि न्यूटन जो सेकंड लॉ हमारे पास है F is equal to ma, तो हमारे पास डेल्टा p और t is equal to ma तरीका हम लिख सकते हैं सिंपली जी F। तो हमारे पास हम देख सकते हैं हमारे पास मोमेंटम एंड फोर्स दी रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये जो हमारे पास इक्वेशन लास्ट आई है ये शो कर रही है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट सब टॉपिक है मोमेंटम का, उसका नाम है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर रहे तो टोटल जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम वो रिमेन कंजर्व रहेगा, यानी कि वो सेम रहेगा जैसा पहला था वैसे ही जो आखिरी मोमेंटम वो आएगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रक की एग्जांपल है, हमारे पास एक ट्रक है ठीक है, ये इसलिए किसी मूव कर रहा है कि ट्रक जो मूव कर रहा है फास्ट मूव कर रहा है और जो कार या कार जो मूव कर रही है वो थोड़ी स्लो मूव कर रही है। जब ट्रक ने हिट किया जी आगे आके इसके लिए कलिजन होगी, इसके बाद ये हिट करेगा कार को, जब इसने कार को हिट किया तो इसने कुछ अपना मोमेंटम जो है ट्रांसफर कर दिया कार को, उनका जो ट्रक जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा और इसके मोमेंटम गेन होगा कार को वो उसको थोड़ा तेज कर देगी। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम जो होगा अगर इनका दोनों का कंबाइन करके हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो स्टिल सेम रहेगा जैसा मोमेंटम पहले था वैसा ही हमारे पास फाइनल मोमेंटम आएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जो डेली लाइफ की, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रक हिट करता है तो हमारे पास जो शिफ्ट कर देगा मोमेंटम को कार की जानिब, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। अगर कुछ इसमें अगर कोई फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा तो हमारे पास वो निग्लेक्टेबल होगा। तो हमारे पास आगे आप देख सकते हैं जी लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम है, जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम है जिसमें हमारे पास आगे इसको इसकी डेरिवेशन सिंपली हम करते हैं। हमारे पास एक दो बात लेते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, हमारे पास एक बॉल ऑब्जेक्ट बी, हमारे पास जो मैस है ऑब्जेक्ट ए का उसको एम वन कह लेते हैं और जो ऑब्जेक्ट बी का उसको एम टू कह लेते हैं ठीक है जी। हमारे पास बिफोर क्लिंग है, हमारे पास बिफोर क्लिंग इसको लास्ट यू वन होगी, यू वन से डोनेट कर लेते हैं जी और आप हमारे पास इसकी जो मैस टू की लास्ट होगी यू टू होगी ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये दोनों को इस सिंबल में जा रहे हैं दूसरा इसी अपोजिशन सिंबल में आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे आके जाके यहाँ पे क्लियन होगी। तो हमारे पास जब क्लियन होगी उसके बाद हमारे पास इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जी, इस सिंबल में मूव करता है जाएगा और दूसरा अपोजिशन सिंबल में मूव करेगा। हमारे पास जो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम आएगा कि आप भी इसको निर्धारण लेते हैं m1 का और v1 से कह लेंगे और m2 b2 से हम निर्धारण कर लेते हैं इसको ठीक है जी। तो हमारे पास
तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास मोमेंटम बिफोर के लिए जो हमारे पास होगा, हमारे पास जो मोमेंटम होगा बिफोर के लिए हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 एंड मोमेंटम आफ्टर क्लिंगिंग हमारे पास आ जाएगा जी M1 V1 प्लस M2 U2 ठीक है जी। तो हमारे पास जो पहला मोमेंटम था जो हमारे पास क्लिंगिंग यानी कि टकराव से पहले जो मोमेंटम था M1 V1 प्लस M1 U1 plus M2 U2 and then हमारे पास जो क्लिंगिंग के बाद जब इन्होंने अपने सिग्नल चेंज कर दिए हमारे पास मोमेंटम आएगा M1 V1 plus M2 U2। तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल एवरेज फोर्स एग्जर्टेड जो होगी हमारे पास टाइम इंटरवल के बाद हमारे पास जो एवरेज फोर्स एग्जर्ट होगी जो करेगा जी ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी जो हमारे पास फोर्स एग्जर्ट करेगा वो हमारे पास आएगी M2 V2 हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होंगे मैंने यहाँ पे जो बाल सुनाए थे कि एक को ऑब्जेक्ट ए का नाम दिया था एक को ऑब्जेक्ट बी का। अब ये कि जो ऑब्जेक्ट ए है जो फोर्स एग्जर्ट करता है जब क्लियर होता है जो ऑब्जेक्ट ए फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑन ऑब्जेक्ट बी तो हमारे पास उसका जो हमारे पास आएगा जो ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट बी पे हमारे पास उसका मोमेंटम आ जाएगा एम टू वी टू माइनस एम टू U2। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट B है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑब्जेक्ट A पे। आगे हमारे आगे तो पहले तो हमारे पास A ने एग्जर्ट की B पे अब फोर्स जो ऑब्जेक्ट होगी B जो कर रहा है A पे तो हमारे पास जो B एग्जर्ट कर रहा है A पे हमारे पास होगी इक्वल टू सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बी ने हमारे पास फोर्स एग्जर्ट की हमारे पास जो फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे हमारे पास उसका मोमेंटम होगा जी एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन ओवर टी ये हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम। इसके बाद हमारे पास जो एफ ए बी और एफ बी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास जो एफ ए बी इज इक्वल होगा जी माइनस एफ बी ए यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन यानी कि कोई अगर हम किसी कोई चीज एक्शन कर रहे उसका रिएक्शन भी होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा दैट मींस हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा वो जो रिएक्शन के तौर पे हम इसको नेगेटिव लेंगे। इस बार सिंपली आप वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी जो वैल्यू तुम्हारे पास था हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी वो वैल्यू सिंपली आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास थी एम टू वी टू माइनस एम वन एम टू सॉरी एम टू वी टू और टी सिमिलरली हमारे पास ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू थी एफ बी ए के हमारे पास आएगी एम टू एम एम वन V1 minus M1 U1 अगर हम देखेंगे कि हमारे पास इसको हम TTC कैसे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास तो हमारे पास रह जाएगा कि M2 V2 minus M2 U2 equal to minus M1 V1 इसको इनटू कर लिए हमारे पास माइनस एम वन यू वन हमारे पास आ जाएगा जी। इसके बाद आप सिंपली इसको नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा एम वन वी वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास तुम्हारे पास आ जाएगा एम वन यू वन इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम सिंपली तुम्हारे पास आ जाएगा जी एम वन U1 plus plus M2 U2 is equal to
एम टू यू टू, ये कि हमारे पास जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है इज प्रोवाइड टोटल फाइनल मोमेंटम। ये था जी आज का टॉपिक जो हमने मोमेंटम पे तीन टॉपिक्स पढ़े हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन को।